सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज का वीडियो होने वाला है क्रिकेट एशिया कप से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में क्रिकेट एशिया कप जो है वो संपन्न हुआ है, जिसमें हमारी भारत टीम जो है वो जीती है, उसने इसका खिताब है एशिया कप का वो हासिल किया है। तो यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपको कराने वाला हूँ, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिकेट एशिया कप की स्थापना कब की गई थी। तो आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि क्रिकेट एशिया कप की जो स्थापना हुई थी वो कब की गई थी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1983, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा सेकंड नंबर, जिसमें बोला गया है क्रिकेट एशिया कप पहली बार कब खेला गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पहली बार खेला गया था 1984 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया है थर्ड नंबर, वर्ष 1984 में खेले गए पहले क्रिकेट एशिया कप की विजेता टीम कौन थी। तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय की जो पहला बोल सकते हैं एशिया कप जो हुआ था उसकी विजेता टीम भारत ही था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा फोर्थ नंबर, जिसमें बोला गया है क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो एशिया कप हुआ उसका खिताब भी भारत ने ही जीता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। और आपको इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि भारत के जो कप्तान हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं वो कौन हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए रोहित शर्मा। आपको ध्यान रखना है इस समय वर्तमान में रोहित शर्मा जो हैं वही भारत टीम के जो हैं वो कप्तान हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है फिफ्थ नंबर, जिसमें बोला गया है भारत ने किस टीम को हराकर क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत ने किस टीम को फाइनल में हराया है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका जो थी वो फाइनल में पहुंची थी पाकिस्तान को हराने के बाद में, और श्रीलंका के साथ में भारत का जो मुकाबला हुआ था फाइनल में वो कोलंबो में हुआ था, और इस मैच में भारत ने बहुत ही बड़ी जीत हासिल की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा सिक्स नंबर, जिसमें बोला गया है भारत में अब तक कितनी बार, भारत ने यहाँ पर आप समझ के चलिए कि भारत ने अब तक कितनी बार क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है अभी तक की एशिया कप की जो सबसे सफल टीम रही है वो भारत ही है, और भारत ने अभी तक टोटल 8 बार एशिया कप को जीता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 बार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा सेवन्थ नंबर, जिसमें बोला गया है क्रिकेट एशिया कप 2023 का फाइनल मैच कहां पर खेला गया। आपको ध्यान रखना है कि क्रिकेट एशिया कप 2023 का जो फाइनल मैच हुआ है ये कोलंबो में खेला गया है, और कोलंबो कहां पर है तो श्रीलंका में है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। इसके अलावा आपको ये भी फैक्ट ध्यान रखना है कि जिस स्टेडियम में ये मैच खेला गया उस स्टेडियम का क्या नाम है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर प्रेमदासा स्टेडियम जो है वो उस स्टेडियम का नाम है, आर प्रेमदासा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो, श्रीलंका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा एट्थ नंबर, जिसमें बोला गया है क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की। तो आप सभी को पता है कि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ने ही सम्मिलित रूप से इस टूर्नामेंट की जो मेजबानी है वो की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। आपको यहाँ पर एक फैक्ट जो है वो ध्यान में रखना है कि ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट चला है पूरा का पूरा जो एशिया कप चला है, तो ये एक तरीके से हाइब्रिड मॉडल के आधार पर होस्ट किया गया है, जिसमें से 4 मैच जो थे वो पाकिस्तान में हुए और बाकी के जो 9 मैच थे वो श्रीलंका में खेले गए। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा मॉडल पर आधारित था, हाइब्रिड मॉडल पर। इसके अलावा पाकिस्तान में कितने मैच हुए, 4 मैच हुए, और श्रीलंका में कितने मैच हुए, तो 9 मैच हुए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा नाइन्थ नंबर, जिसमें बोला गया है क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 2023 का कौन सा संस्करण था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये 16वां संस्करण था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 10th नंबर, जिसमें बोला गया है
क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 2023 में कितनी टीमों ने भाग लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें टोटल 6 टीमें शामिल हुई, जिसमें से आपको एक टीम का नाम आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, जो कि होने वाली है नेपाल, क्योंकि नेपाल जो है उसे इस बार ही एशिया कप में शामिल किया गया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में बढ़ने से पहले आपको इसमें जो 6 टीमें शामिल हुई हैं एशिया कप में, उनका जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी 6 टीमें जो थीं, उनमें से भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 11th नंबर, जिसमें बोला गया है पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं कुलदीप यादव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 12 नंबर, जिसमें बोला गया है एशिया कप 2023 के फाइनल में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो आप सभी को पता ही है कि मोहम्मद सिराज को चुना गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 6 विकेट लिए और अपना करियर बेस्ट स्कोर जो है, अपना करियर बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो उन्होंने दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद सिराज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा 13 नंबर, जिसमें बोला गया है क्रिकेट एशिया कप 2023 में किस फॉर्मेट में खेला गया। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो क्रिकेट एशिया कप 2023 हुआ है, ये ODI फॉर्मेट में हुआ है। ODI का मतलब आप सभी को पता होगा, 50 ओवरों का जो गेम होता है उसे हम ODI बोलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा 14 नंबर, जिसमें बोला गया है क्रिकेट एशिया कप का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एशिया कप है तो एशिया की ही कोई संस्था होगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ACC। आपको ध्यान रखना है एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो इसका आयोजन कराती है। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 15 नंबर, जिसमें बोला गया है पुरुष क्रिकेट एशिया कप में श्रीलंका कितनी बार विजेता बन चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका जो है वो 6 बार विजेता बना है और भारत 8 बार बन चुका है। तो इस क्रम में अगर हम देखते हैं तो श्रीलंका जो है वो सेकंड नंबर की सफल टीम मानी जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 16 नंबर, जिसमें बोला गया है क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 2023 में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाए। तो आपको ध्यान रखना है कि शुभमन गिल ने सर्वाधिक रन बनाए और कितने बनाए ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उन्होंने 302 रन बनाए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 17 नंबर, जिसमें बोला गया क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक विकेट लिया है मथीशा पथिराना ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि ये किस टीम के खिलाड़ी हैं, तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 11 विकेट लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 18 नंबर, जिसमें बोला गया है पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 में किस टीम ने पहली बार भाग लिया। तो ये मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि नेपाल जो है वो पहली बार शामिल हो रही है एशिया कप में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा 19 नंबर, जिसमें बोला गया है क्रिकेट एशिया कप कितने वर्षों के अंतराल में खेला जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये 2 वर्षों के अंतराल में खेला जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है 20 नंबर, जिसमें बोला गया है किस देश ने लगातार 3 बार क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कारनामा करने वाली टीम भी हमारा प्यारा भारत ही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कब हुआ। तो आपको ध्यान रखना है 1988 में हमारे जो भारत है उसने एशिया कप का खिताब जीता, उसके बाद 1990 में जीता और उसके बाद
1995 में भी जीता। तो यहाँ से आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से होते हैं समाप्त। आप सभी को ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन हैं इनको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना है, अच्छे से लर्न कर लेना है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। चलिए कल मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।